दरभंगा जिला के तारडी प्रखंड के कई हिस्से में घुसा बाढ़ का पानी, कमला के जलस्तर में हुई वृद्धि। तारडी प्रखंड के ककोढ़ा, महिया एवं बैका में फिर से घुसा बाढ़ का पानी। बताया जाता है कि ककोढ़ा स्थित कमला बलान एक बार फिर से उफनाने लगी है, जिससे प्रखंड क्षेत्र के कई हिस्से में पानी प्रवेश कर गया है। हालांकि पानी में जलस्तर का एक और कारण रोज़ हो रही वर्षा भी है। अब तक किसी भी अनहोनी की बात सामने नहीं आई है, परंतु लोग अब सतर्क हो रहे हैं। अगर इसी तरह पानी में बढ़ोतरी हुई तो आसपास के दर्जनों गांव इससे प्रभावित होने लगेंगे। दरभंगा जिला के अलीनगर में आवास पर्यवेक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बिचौलिया से सावधान रहने की अपील प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से की है। इसको लेकर क्षेत्र में माइकिंग भी कराई गई है। आगे बताता चलूं कि श्री सिंह ने कहा, किसी भी समस्या या जानकारी के लिए सीधे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दरभंगा जिला के अलीनगर में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस संदर्भ में बीसी ईसीता ने बताई कि प्रखंड क्षेत्र में जो भी परिवार शौचालय से वंचित है, वैसे लोगों के घर शौचालय निर्माण कराया जाएगा। बचे हुए लोगों के शौचालय का जियो टैगिंग कराई जाएगी। साथ ही भूमिहीन परिवार का सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिसका रिपोर्ट जिला को जल्द सौंप दिया जाएगा। दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड स्थित सभागार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किसान जागरूकता शिविर का आयोजन गुरुवार को किया गया, जहां वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई एवं अन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी हारून राशिद ने बताया, नई तकनीक से की गई खेती से पैदावार की संभावना अत्यधिक है। मौके पर अलीनगर बीडीओ रितेश कुमार व प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों किसान मौजूद रहे। दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड मुख्यालय में 18 सितंबर से 17 अक्टूबर 2019 तक के लिए शिक्षक नियोजन के लिए विशेष काउंटर लगाई गई है, जहां शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में कुल 6 काउंटर की व्यवस्था 6 शिक्षकों के साथ की गई है। खबर लिखे जाने तक 3 बजे तक 8 आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें 1-5 के लिए 2, इंग्लिश 6-8 के लिए 2, मैथ 6-8 के लिए 1, सोशल साइंस 6-8 के लिए 3 आवेदन प्राप्त हुई है। ये जानकारी शिक्षक नियोजन में विशेष काउंटर के लिए चयनित शिक्षकों ने दी है। यहाँ पर जो शिक्षक नियोजन का जो प्रक्रिया चालू हुआ है, आवेदन शुरू हुआ है, इसीलिए यह विशेष काउंटर बनाया गया है। यह काउंटर सभी दिनों के लिए नहीं होता है, खासकर नियोजन के लिए ही है, और इसके बाद इसको बंद कर दिया। यहाँ 6 काउंटर बनाए गए हैं और 6 शिक्षक को शिक्षक नियोजन में नियुक्त किया गया। सामान्य है 6-8 में विषय है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। ये आपको 18 से 17 तक है, 18-9-2019 से 17-10-2019 तक। यह सब कल जमा लिया जाएगा, आज से, कल से लिया जा रहा है।
18 तारीख से शिक्षक नियोजन का फल यहाँ पे जमा किया जा रहा है और ये 17 तारीख की वजह से 17 अक्टूबर तक चलेगा। अच्छा, अभी तक कितना अप्लाई हुआ यहाँ? अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। अच्छा, इस काउंटर पे किस वर्ग के लिए जो है सो 1-5 चारों काउंटर पे 1-5 के लिए? नहीं, एक काउंटर पे 1-5 और तीन काउंटर पे जो है एक दो काउंटर पे जो है सो एक पर जो है सो सोशल साइंस साइंस और एक पे जो है सो आशा साइंस। दरभंगा जिला के ककोढ़ा पंचायत में बाढ़ के पानी के दबाव को लेकर दरभंगा जिला अधिकारी ने सामुदायिक रसोई चलाने का आदेश जारी किया है। आगे बताता चलूं कि आज कि मैंने पहले ही खबर में दिखाया था कि कमला बलान नदी उफनाई, जिससे प्रखंड के कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। खबर को प्राथमिकता मिली और ककोढ़ा में सामुदायिक रसोई चलाने का आदेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। आगे बताता चलूं कि कमला नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे प्रखंड के और भी गांव प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में जिला अधिकारी की निगाहें लगातार बनी हुई है। दरभंगा अलीनगर जल जीवन हरियाली के तहत अंचल क्षेत्र में जितने भी सरकारी पोखर हैं, उन सभी पोखरों को जांच कर अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से अंचल क्षेत्र के सरकारी पोखरों का अलीनगर अंचला अधिकारी ने लिया जायजा। अंचल क्षेत्र के सुहत, गरौल, कुमरौल सहित अन्य गांव के पोखरों का जायजा लिया गया। मौके पर राजस्व कर्मचारी अंचल अमीन मौजूद रहे। विसर्जन के साथ विश्वकर्मा पूजा का हुआ समापन। दरभंगा जिला के अलीनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को विश्वकर्मा पूजा का विसर्जन गाजे बाजे के साथ की गई। शांतिपूर्ण ढंग से विश्वकर्मा पूजा मनाया गया। अलीनगर में बीते रात सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन पूजा समिति के द्वारा की गई थी।